क्या मसला है आपके साथ? आप क्यों मुझे बार बार कॉल किए जा रही हैं? क्या चाहती हैं आप? सुल्तान साहब, नगीन अभी तक घर नहीं आई है। तो मैं क्या करूं अगर वो वापस नहीं आई? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे ढूंढ के ला सकते हैं। मैं क्यों ढूंढ के लाऊंगा उसे? मेरी लगती है क्या है? आप क्या कह रहे हैं? वो जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है, और किसके साथ गई है ये आप बेहतर जानती होंगी। वो अपनी मर्जी से नहीं गई, वो अगवा हुई है। अगर आपने इस सिलसिले में हमारी मदद नहीं की, मैं क्यों करूंगा आपकी मदद? सीसीटीवी फुटेज देखी है ना आपके शौहर ने भी, उसके बाद भी आप यही तवक्का करती हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा? एक बात कान खोल के सुन ले आप लोग, अब नगीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो अगवा हुई है, वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। जी हाँ, पहले मुझे भी यही लग रहा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन मेरी ये खुशफहमी कल दूर हो गई। नगीन जैसी लड़कियां एतबार के काबिल होती ही नहीं। मैं तो इज्जत देने जा रहा था उसे, लेकिन उसे इज्जत रास नहीं आई। आप हद से बढ़ रहे हैं, हद से आप लोग बढ़ रहे हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, नगीन अगर वापस भी आ गई ना, तब भी मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। और उससे कह देना मुझसे राब्ता करने या मेरे सामने आने की कोशिश ना करे। वो उसने मेरी मोहब्बत का, मेरे अरमानों का खून किया है। मैं मर के भी कभी माफ नहीं करूंगा उसे, वो मेरे लिए मर गई है।